हेलो स्टूडेंट, जस्ट आई एम गोइंग टू द थर्ड पॉइंट, कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड ए डिवाइडर। तो बच्चों, हम लोग किसी भी टू लाइन सेगमेंट्स का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? रूलर की हेल्प से, उसके लेंथ को मेजर करके। हम लोग कैसे मेजर करते हैं बच्चों? जो आपका यहाँ पे रूलर पे जीरो पॉइंट है ना, जीरो मार्किंग है ये, इसको हम वन इन पॉइंट पे रखते हैं। यहाँ पे बहुत ही केयरफुली रखना है आपको, और वर्टिकली ऑब्जर्व करना है, मतलब इसके वर्टिकल में ऑब्जर्व करना है। और अदर इन पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, दैट इज़ 4.1। तो ये 4.1, इसकी लेंथ को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 4.1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सेम एज इसको भी हम इसकी लेंथ को मेज़र कर लेंगे रूलर की हेल्प से। अब यहाँ पर हम इसका जो ज़ीरो वाला पॉइंट है या मार्किंग है, यहाँ पर सी पे हम पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए, एकदम वर्टिकल होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो मिस्टेक हो जाएगी। और सेकेंड है बच्चों आपका लगभग 4 है, ये कितना है 4, तो ये 4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व कर लीजिए, ये कितना था 4.1, और ये कितना है, पूरे 4 है, 4 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं ना, बहुत ही माइन्यूट जो है डिफरेंसेस हैं इसकी लेंथ में। अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सी लेंथ, विच वन इज़ लॉन्गर देन अदर। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 4.1 सेंटीमीटर वाली लेंथ क्या है, ये लेंथ ज़्यादा है। किसकी मदद से हमने, किसकी हेल्प से, रूलर की हेल्प से हमने इसको चेक कर लिया बच्चों। इसको हम लोग डिवाइडर से भी कर सकते हैं। डिवाइडर से कैसे करेंगे बच्चों? डिवाइडर का वन एंड पॉइंट यहाँ पे हम पुट करेंगे, इससे जो हमारी क्या होगी, मिस्टेक जो है कम होती है। और दूसरा वाला बच्चों, यहाँ पे हम लोग दूसरे एंड पॉइंट पे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से फिर स्केल से आप इसके मेजरमेंट को चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप रख दीजिए 0 पे और दूसरा वाला 1 पे, तो ये 4.1 है, सही है। और इसी तरह से बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए 4.1 सेंटीमीटर, और इसकी भी लेंथ हम लोग मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका मेज़र कर लेते हैं, फिर स्केल की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा छोटी हो रही है यहाँ पे आ रही, तो यहाँ से फिर हम इसको, ये देखिए 4 आ रही ना, तो 4 पे आ रही है, और ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग इसकी हेल्प से भी इसे कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग बुक में देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, जिस तरह से डिवाइडर है आपका ये, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, दिस इज़ रूलर। और बच्चों, एक चीज़ और आपको बतानी है कि जो यहाँ पे जो लेंथ हमने अभी देखा कि ये सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 पार्ट हैं, तो 1 पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मिलीमीटर। अगर 1 पार्ट को हम सेंटीमीटर में बताना चाहें तो कितना होगा, 1 मतलब टोटल का, जैसे कि यहाँ पर 10 है, तो 1 कितना हो जाएगा इसका, टोटल का कितना होगा, वन वाला पार्ट इस टोटल का, अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, ये 1 पार्ट है, तो 1/10 हो जाएगा, कितना, कौन सा पार्ट है, 10th पार्ट है ना ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10, दैट मीन 0.1। तो ये 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते बच्चों, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, एंड शो ऑन। मतलब हम इस तरह से 2 मिलीमीटर को कितना, 0.2, 3 मिलीमीटर को 0.3 सेंटीमीटर, मतलब हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 2.3 सेंटीमीटर विल मीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, जैसे कि कहीं पे ये लिखा हुआ बच्चों, 2.3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ये लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर और कितना है बच्चों, 5 मिलीमीटर, ये लेंथ हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। कुछ और चीज़ें बच्चों हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये हमने कर लिया। अब बच्चों हमारा है थिंक, डिस्कस एंड राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट अदर एरर्स एंड डिफिकल्टीज माइट वी फेस, What kind of errors can occur if viewing the mark on the ruler is not proper? How can one avoid it? तो यहाँ पे जो सही आपकी मेजरमेंट है, आपको वर्टिकली देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों हमें क्या करना है, वर्टिकल देखना है। अदरवाइज अब अगर इसकी किसी एक पोजिशन, जैसे यहाँ पे शो किया है, आप यहाँ से देख रहे हैं, कहते हैं ना
इस तरह से देखना, तिरछे हम लोग कहते हैं तिरछे देखना, रांग आई पोजीशन ये है जो आपका करेक्ट आई पोजीशन है, वर्टिकल मतलब ऊपर से आपको देखना है, अगर इस तरफ से देखेंगे तो आप करेक्टली व्यू नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है व्हाट अदर इरर्स एंड डिफिकल्टीज माइट वी फेस, अगर हम रूलर की हेल्प करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो ये आपका पोजिशनिंग इरर है, ये आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है पोजिशनिंग इरर। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए, कौन सी इरर होता है इसे पोजिशनिंग इरर बोलते हैं, पोजिशन की इरर होती है हमारी। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, सही अगर स्केल को आपने नहीं रखा है तो आपकी मिस्टेक होनी है, ठीक है। तो ये आप कह रहा है कि इसमें इरर कौन सी होती है, तो पोजिशनिंग इरर हो जाती है। कैन वी अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इज देयर ए बेटर वे, लेट अस यूज़ द डिवाइडर टू मेज़र लेंथ। तो हम इस तरह से डिवाइडर से लेंथ, जो कि हमने अभी वीडियोज़ में बताया है कि सबसे पहले इसका वन आर्म्स का जो पॉइंटर है ए पे पुट करेंगे, एंड सेकेंड आर्म जो है अनदर आर्म आप डिवाइडर उसको बी पे पुट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक मतलब कि विदाउट कोई मिस्टेक कोई एरर हम लोग इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं यहाँ पे पुट करके, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवाइडर की हेल्प से हम लेंथ का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ्स का। अब हम लोग बच्चों एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.1, इसको हम लोग गूगल मीट पे अभी जस्ट आज कंप्लीट करना है 5.1 पूरी एक्सरसाइज को। ओके बच्चों, ओके।